Meghalaya, the land of clouds and abundant nature. It has managed to truly touch my soul. So come join me in this three-part series as I take you to this enchanting place. अभी शिलोंग के लिए निकल पड़े हैं एंड शिलोंग मेरे घर से कुछ 110 किलोमीटर के दूरी पे है गुवाहाटी से. तो हम लोग अपने कार से जा रहे हैं मेरे भाई और मेरे वाइफ के साथ. तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग बहुत ही गंदे ट्रैफिक में फंसे हैं गुवाहाटी के. शिलोंग गुवाहाटी से 110 किलोमीटर की दूरी पे है और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगने वाला है. और बीच में हम लोग कुछ कुछ जगह पे रुकने वाले हैं वीडियोस लेने के लिए. तो देखते रहो. अभी हम लोग ने एक स्टॉप लिया उमियाम लेक. आप देख सकते हो मेरे पीछे उमियाम लेक है, इसको बड़ा पानी भी बोलते हैं. थोड़ा सा देर हो गया है बिकॉज अभी ऑलरेडी सनसेट हो चुका है. अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 4 बजा है और यहाँ पे ऑलरेडी सनसेट हो गया है. फिर भी एक बार ड्रोन उड़ा के एक शॉट ले लेता हूँ, एक दो शॉट्स. काफ़ी ठंड है और अभी मेरे पास जैकेट भी नहीं है. बस गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे और जैकेट पहन लेंगे क्योंकि हम लोग ने शिलोंग में होटल भी बुक नहीं किया है. तो अंधेरा भी हो रहा है, जल्दी जाके हम लोग होटल्स भी बुक करने हैं. तो अभी हम लोग होटल पहुंच गए और काफ़ी लेट हो गया होटल पहुंचते बिकॉज हम लोग ने काफ़ी बार रुके बीच में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए. तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा अच्छा होटल्स मिला भी नहीं. तो ढूंढते ढूंढते जो भी अच्छा मिला हम लोगों को वही ले लिया. प्राइस भी थोड़ा हायर साइड में है. तो आप देख सकते हो होटल ठीक ठाक है. हम लोग को सिर्फ नाइट ही स्पेंड करना है. कल सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे डॉकी की तरफ. और ये देखो सुष्मिता मैडम को कैसे खड़ी है एलियन की तरह. और ये ओरियो, ये तो अपने बैग में घुस जाएगी और एकदम सेफ रहेगी. अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा खाना पीना खा के जल्दी आके सो जाएंगे बिकॉज कल सुबह हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा. तो अभी हम लोग पहुंच गए लाइटलुम कैनियंस. बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सी सो ब्यूटीफुल. दिसंबर के महीने में इतना धूप, सोचो मतलब अभी सिर्फ 7:30 ही बजे और दिसंबर के महीने में इतना ज़्यादा धूप है, क्या बोलूँ. अभी सोच रहा था कि थोड़ा सा फॉगी मिलेगा और थोड़ा सा क्लाउडी मिलेगा तो अच्छा होता, लेकिन इतना ज़्यादा धूप है अभी. ये एक छोटा सा रिज है जो हम लोग चल के जाएंगे, वहाँ से हम लोगों को पूरा वैली का व्यू मिलेगा. तो अभी हम लोग जा रहे हैं करांगसुरी. करांगसुरी एक बहुत ही बड़े और बहुत ही बढ़िया एक वाटरफॉल है. करांगसुरी जो वाटरफॉल है ये डाउकी रिवर के ऊपर है और कुछ 100 किलोमीटर्स के आसपास है शिलोंग से. करांगसुरी का जो रास्ता है आधा रास्ता तक तो बहुत ही सही रास्ता है, हाईवेज है, बहुत ही सही हाईवेज है, लेकिन आधा रास्ते से एकदम बहुत ही गंदा रास्ता है. तो फाइनली हम लोग पहुँच गए करांगसुरी के पार्किंग लॉट पर. गाड़ी पार्क कर दिए और अभी यहाँ से कुछ
300 स्टेप्स हम लोगों को चल के नीचे जाना है, कुछ आधा घंटा टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग देख पा रहे हैं अभी तक सिर्फ एक ही बस है, टूरिस्ट बस, और कोई टूरिस्ट कार से ऐसा कुछ है नहीं। देखो अभी सुष्मिता जी पोज लेके खड़ी है फोटो लेने के लिए, तो फोटो ले लेता हूँ मैं कुछ। आज गए हम लोग एंड जस्ट व्यू देखो, ये फर्स्ट ग्लांस है करंगसुरी का जो वाटरफॉल है, और पानी देखो सिर्फ क्या व्यू है, पानी का कलर देखो। फाइनली हम लोग करंगसुरी वाटरफॉल्स पहुंच ही गए, क्या नज़ारा है, रियली इट्स माइंड ब्लोइंग। पानी इतना ज़्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो उसका कलर एकदम ब्लू है। ये तो दिसंबर है इसीलिए पानी कम है, नहीं तो ये पूरा वाटरफॉल तो भरा हुआ रहता है। पानी का क्लैरिटी देखना है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको कितना क्लियर पानी है यहाँ पे, बस देखते रहो आप मेरा वीडियो। कभी आप वाटरफॉल के पीछे गए हो क्या? इधर जा सकते हैं। अरे यार यहाँ पे उसने बैरिकेड डाल के रास्ता बंद करके रखा है, नहीं तो इधर से होके हम लोग उधर तक जा सकते थे एकदम वाटरफॉल के पीछे। सो हम लोगों का करंगसुरी का एडवेंचर्स यही समाप्त होता है। बहुत मज़ा आया, बहुत ही सही जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। अगर आप मेघालय का कभी भी टूर करते हो तो करंगसुरी आना मत भूलिए। ये प्लेस का, ये जगह का कुछ अंदाज़ा ही कुछ अलग है, एकदम अलग है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, पानी तो बस बोलो ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अब अंदर का जो रिवर बेड है वो भी दिखता है इधर से, बहुत ही सही जगह है। और मॉनसून में तो ये जगह पूरा कम्प्लीटली पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा। अभी कुछ टाइम हो गया 3:30 बजे और सनसेट ऑलमोस्ट होने का टाइम हो गया है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी निकल के जो भी नियरेस्ट विलेज या फिर डाउकी की तरफ जाके, डाउकी के तरफ जो भी नियरेस्ट विलेज या होम स्टेज मिलेगा वहाँ पर हम लोग रहने का प्लान करेंगे। सी या गाइस, अभी निकलते हैं, अपना तो हलवा टाइट हो गया सीरी चढ़ते चढ़ते, लेकिन ओडियो का एनर्जी अभी भी फुल ऑन है।